मालूम है, पर ये लोग वैसा करेंगे। हाँ, मेरा दुष्यंत ठाकुर। ओ शिट, क्या हो गया? राइट डाला और मेरा वाइजर शॉट हो गया। कौन सा बाइक था उसका? उसका तो छोड़ ही दो। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ईच एंड एवरी वन इज हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ। और 2022 ये जो साल है, ये सबके लिए एकदम सुपर्ब जाए। सो अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जो प्रॉब्लम होता है वो फॉग का होता है, बिकॉज अभी विंटर सीजन है तो फॉग के वजह से तो गाइस विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसके लिए मैं पर्सनली तो यही प्रिफर करता हूँ कि जाने के टाइम ओके स्पीड में जाओ 90-100 के। सो गाइस, अभी पहला टोल जो आता है टुवर्ड्स द चारोटी, वी आर एट द फर्स्ट टोल, एंड उसके बाद वाला जो टोल है वहाँ पे जनरली वी टेक द हॉल्ट। सो नाउ वी आर जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी ये देखो, ये दोनों तीनों लेन पे ट्रक्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इन ट्रक वालों की वजह से क्या होता है कि जो राइडर्स एकदम अर्ली मॉर्निंग जो एकदम गर्म हो जाते हैं, एकदम फटाफट उनको राइड कंप्लीट करने का जो कीड़ा है, वो ये ट्रक वाले ना वो कीड़े को ऐसा मारते हैं कि अभी उसके आगे आप लोग समझ जाओ। वो व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। सो गाइस, ये वाला भी एक पार्ट है जहाँ पे बहुत फॉग होता है अर्ली मॉर्निंग। और अपना जो ये NH8 है, यहाँ पे ये वाला स्पॉट भी बहुत फेमस है। सो यू कैन सी कितना फॉगी है। एंड जो विंटर राइड है अपना 2022 का फर्स्ट संडे जो है 2nd of January, वो बहुत 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 सुपर लग रहा है। ओ शिट, क्या हो गया? फिर से एक्सीडेंट हो गया? ओ शिट यार, राइडर किधर है? कौन गिरा? आप गिरे क्या? नहीं, वो बच गया। अरे वो ट्रक वाला राइट डाल दिया ना। ओके, वो ट्रक राइट डाला और मेरा वाइजर शॉट हो गया था। ओके, तो वो चक्कर में बंदे इनके अंदर घुस गया मैं। अरे यार, लगा नहीं ना, पर कुछ हुआ नहीं ना। चलो अच्छा है यार, वेरी गुड, अच्छा हो गया। किसी का दुआ रहेगा इसके लिए, काम आ गया हो। ये तो क्या, इंश्योरेंस वगैरह हो ही जाएगा। बच गया भाई, बाइक वगैरह तो ठीक है। ओके, यहाँ पे जनरली ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं बाइकर लोग के। अभी उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसका जो वाइजर है वो चलते चलते ही नीचे हो गया। समझ गया। नहीं, ये मैं वही बोलते रहता हूँ, अर्ली मॉर्निंग जाने के टाइम में ना, यहाँ पे जितने भी ट्रक वाले हैं ना, उनके वजह से सारे बाइकर लोग का लफड़ा होता है। कौन सा बाइक था उसका? R15 था। अच्छा, टैनल खुल गया उसका वो। ये वाला गाड़ी था गाइस, अभी आप देख सकते हो। हाँ, अच्छा। ओके, तो यहाँ से खुला था। ये भी चला जाएगा एक्चुअली। हेडलाइट वगैरह भी ठीक है, चलो अच्छा है। पर ऑल्टो 800 का तो लफड़ा हो गया है। पर यामाहा ने मारुति को ठोक दिया यार। नहीं, वो है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे सुबह सुबह ऐसा जो छोटा बाइक वाले रहता है ना, वो लोग को ऐसा फुल गर्मी हो जाता है। वो लोग को लगता है कि आज रेस है आगे, तो वो लोग है ना ऐसा चलाते हैं ना कि फिर उनके वजह से दूसरे लोग का भी लफड़ा होता है।
ट्रक वाले लोग का तो छोड़ ही दो, अभी देखो यहाँ पे लाइन में तीन तीन आ रहा है, ये इतना बड़ा ट्रक है, 20-20 के स्पीड में चला रहे लोग सिर्फ। हाँ और क्या, चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लाइफ बच गया, थोड़ा आराम से चलाओ, और ये हेलमेट अगर खराब है ना तो फेंक दो इसको, कुछ मतलब नहीं है ऐसा हेलमेट का जो अपना जान ले फालतू का। पैसा वगैरह देने बोल रहे हाँ, क्लेम तो उनको कंपनी में करना पड़ेगा। किसका गाड़ी है वो? आपका है, आपका गाड़ी, आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है क्या? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा ना, राजस्थान जाना रहेगा वो ठीक है। देखो आपको आपको एक बात बोलता हूँ, सुनो सुनो, नहीं नहीं वो मैं सब जानता हूँ, इसका 100% इसका मिस्टेक है, मैं ये बोलता हूँ ठीक है, पर प्रॉब्लम किधर है मालूम है? अगर आप अभी लड़ेंगे ना इससे कुछ हो, मतलब लड़ेंगे मतलब पैसा मांगेंगे ना, फायदा नहीं होएगा। इधर है ना, मैं इधर है ना 6 साल से यही रोड पे, यही रूट पे आ रहा हूँ मालूम है, पर ये लोग वैसा करेंगे। हाँ मेरा दुष्यंत ठाकुर जी, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता यहाँ से लेकर पूरा गुजरात तक। आप ट्राई कर लो, करोगे और वो हमसे बुक था लेगा। आप ट्राई तो करो, भाई 50 हो गया रहेगा आपका कंप्लेन इस रोड पे। आप काम करो, आप ट्राई करो, कंप्लेन का सवाल ही नहीं। यहाँ पे किधर कैमरा है क्या? नहीं यहाँ पे कैमरा है क्या प्रूव करने को? नहीं नहीं आप, मैं आपको सिर्फ एक, आप एक काम करो क्योंकि अभी किसी का बच्चा है और ठीक है। हाँ बस हम जो उसका खर्चा भर दीजिए, आप भी आप काम पे जाइए, फालतू बातों से बात तो मत बढ़ाओ। पैसा अभी ना गाड़ी की, भाई साहब गाड़ी इससे कटी नहीं है, साइड ग्लास में मैंने देखा, जब गाड़ी कटी नहीं ना यूं अड़के डायरेक्ट इससे, मैंने साइड ग्लास में इनसे पीछे बैठने वाले से पूछो, ए मनी गया गया गया, गलती ये कर लेकिन उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, अगर है तो दे दे, नहीं तो फिर देना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर रहे अपन, वो तो काम या तो तुम काम करो, शोरूम पे चलो अपन, ये कितना डैमेज है देखो एक में। लोग है ना पैसा मांग रहे हैं इनसे, बिकॉज उसका गाड़ी का पीछे का जो पोर्शन है वो पूरा चला गया है। एंड अभी क्या बोलूं यार, एक केस में इंश्योरेंस ही क्लेम करना चाहिए ऐसा। कितना मांग रहे वो लोग? क्या मालूम कितना मांग रहे, पर कभी ऐसे केस में होता क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए। और ये भी आरजे का गाड़ी है, पुलिस वाला भी इससे थोड़ी राजस्थान पासिंग का गाड़ी है। R15 को कुछ भी नहीं हुआ, R15 को कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मेन सीन क्या है ना कि अगर ये लोग ने लड़ाई किया ना फालतू का, ये लोग को भी पैसा नहीं मिलेगा, सही बात है। इसके वजह से देखो मैं तो एडवाइस करूंगा पैसा तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम दे हुआ तो ठीक है, क्योंकि ऐसा ये लीगल नहीं है कि ऐसा किसी को भी रुका के पैसा मांगे। बाकी अगर उसको उसके घर वालों को फोन करके तुम लोग बुला लो, और क्या आपको कोई अनपढ़ पे नहीं जो हम समझाऊं, बड़े नहीं के समझदार है, काफी समझ सर। पर एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, ऐसा एक्सीडेंट के केस में ना पैसा मांगना इल्लीगल है, उसका 100% मिस्टेक भी हो गया ना तो भी कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि उसको पैसा मांगना इल्लीगल है, बाकी अगर बीच का मांडव लिए तो अलग बात है। देखो आप ट्राई करो, पैसा मांगने को दिया तो ठीक है, नहीं तो और क्या बोल सकते है ना। आप लोग उसके घर वालों को बुलाओ या पुलिस को यहाँ पे बुला लो, वो लोग पैसा नहीं मांग सकते ठीक है। घर वाले को बुलाया तो सब का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हाँ तो पुलिस को तो बुला लो, तो एक काम कर, सुन सुन इधर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे पास पैसा नहीं है ना, तू एक काम कर इधर आ, तू है ना इधर ही खड़े रहे और है ना पुलिस वाले लोग को बुला ले फटाफट, पुलिस वालों को बुला, ये टोटली इल्लीगल है कि पैसा मांगने का, समझा, गाड़ी का इंश्योरेंस है, अगर कोर्ट में भी बात गया ना तो भी ऐसा पैसा मांगना लीगल नहीं है कि हमको दो पैसा ठीक है, तेरा जान बचा और ये सब चीज़ होते रहता है। सो
मैं यही सजेस्ट करूंगा। सब लोग पैसा देता है क्या रोड पे, इंश्योरेंस क्लेम होता है? हाँ क्या नहीं, खर्चा कितना भी हो बट वो क्लेम हो जाता है। इंश्योरेंस क्लेम जो है ना वो करना चाहिए, ऐसा पैसा मांगना। तो अरे पर उसके पास होना तो चाहिए ना पैसा। ठीक है चलेगा, आप देखो। ठीक है, आपके दोस्त है क्या कोई रिपेयरिंग वाले गाड़ी के? आपके दोस्त से पूछो ये कितने का आ रहा है, वो डाल दो ना, मैं आपको परेशान करना चाहता। आप बात बस ये बात है, छोड़ दीजिए यार। और रहा भाई आप ये सच्ची बात में कोई आप रिपेयरिंग में एक्स्ट्रा कोई पुरानी का, मेरी गाड़ी नई है, एक साल पुरानी, कोई ज्यादा पुरानी। अरे वही तो, एक साल पुराना गाड़ी है, एक साल पुराना गाड़ी है तो फिर तो 100% इंश्योरेंस जीरो डेप रहेगा ही ना। सो गाइज, नाउ द सिचुएशन हियर इज कि दिस गाइज आर आस्किंग फॉर मनी एंड पैसा जो है वो बोल रहे हैं कि कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। मैंने तो उसको सजेशन दिया कि ऐसे सब केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल्स और सब लीगल काम करने का। कोई भी इलीगल तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि वो पुलिस के पास ही चला जाए और उनको हैंडल करने दे सिचुएशन। ओके गाइज, सो लेट्स कंटिन्यू द राइड अहेड। अभी इनका कुछ नया सिचुएशन हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं, क्या हो गया अभी? हाँ चलो, अच्छा है तो ये रिजल्ट आ गया रहेगा तो ठीक है। चलो एनीवेज गाइस, सो द सिचुएशन हियर इज हैंडल्ड एंड अपना जो राइडर दोस्त है उसको बोला है कि घर चले जाए, है ना, घर जाने बोला ना। चलो फिर अपन भी निकलते आगे। चलो अच्छा है, जान बची, लाखों पाए और डिस्कशन भी खत्म हो गया। चलो यस यस, हाँ ग्लोबल विलेजर, ग्लोबल विलेजर CVR 1000। ग्लोबल, ग्लोबल विलेजर, हाँ हाँ हाँ। चलो चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। ओके थैंक यू, बाय बाय। सो गाइज, फाइनली इन लोग का मैटर भी सॉल्व हो गया एंड आई गेस आई हैव हेल्प देम। ये जो छोटे बाइकर्स होते हैं बेचारे, नए नए लड़के रहते हैं, इनको रूल्स मालूम नहीं रहता है और ये डर भी जाते हैं। तो मेरे वहाँ पे रहने से या खड़े रहने से अगर कुछ भी फ़र्क पड़ता रहेगा तो आई एम वेरी हैप्पी। सो गाइज, आज का जो व्लॉग था इसमें यहाँ पर ही मेरे को लग रहा है कि बहुत टाइम निकल गया रहेगा। सो मैं काम करता हूँ, ये जो व्लॉग है इसको पार्ट वन बना लेते हैं अपने चैनल पे और हम इसको लॉन्च करेंगे कमिंग ट्यूसडे। ओके गाइस, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड यस, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर हेलमेट गाइस।